की ईद उल फितर की मौके पे तमाम मुसलमान भाइयों को और हमारे कवाती बहनों को, बुज़ुर्गों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए, आज हमेशा ईद की नमाज ईदगे में कर लेने में खुशी हो सकती थी, मगर अब यहाँ पे जो करोना वायरस से रोकने के वास्ते जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बल्कि गवर्नमेंट जो है पाबंदी रखे हुए है, अब ये ईद की नमाज भी ईद के में या मस्जिद में पढ़ने का मौका नहीं रहने की वजह से अब मजबूरन सब घरों में नमाज पढ़ना पड़ रहा है। ये थोड़ा अफसोस की बात है, फिर भी ईद ईद ही है। जैसा हमेशा ईद जितने खुशी होते थे बच्चों को नया कपड़े सिलाने में और खरीद करने में पूरा कम से कम एक हफ्ते तो लगते थे, अब बाहर पढ़ने का मौका नहीं रहने की वजह से थोड़ा मुश्किल सुनसान ईद गुजर गए जैसा हो गए। अगर कम से कम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तो ये ईद की नमाज करने की इजाज़त मिल गई तो बेहतर रहते थे, मगर अब एहतियातन के वास्ते जो हुकूमत ये मस्जिदों में जो नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सके, अब ये तो बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहे पूरा दुनिया। मैं तो दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, अल्लाह से, ये जल्द से जल्द जितने जल्दी हो सके तो उतने जल्दी ये करोना वायरस पूरा मर मिटे तो पूरा इंसान अमन से रह सकते। अब आने वाली ईद ईद उल फितर आप खुले आम ईदगाह में ईद नमाज कर लिए जैसा मौका मिलते बोल के मैं दुआ करते हुए फिर एक बार ख़ास करके कि चार मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खवाती बहनों को सबको मैं ईद उल फितर रमज़ान ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए ये पूरे दुनिया को एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की निशाने बल्कि मैं समझता हूँ यही ईद। ऐसी ईद हजारों ईद ये दुनिया मनाए जैसा ऊपर वाले दुआ कर ऊपर वाले दुआ हमारी कबूल करना बल्कि बोलते हुए खूबसूरत रहता।